गिरफ्तार पीटीआई कारकुन से व्हाट्सएप चैट के मामले पर फारूक हबीब का रद्द अमल सामने आ गया। अभी एक चैट जो है वो वायरल की है, नून लीग वालों ने मीडिया के ऊपर चलवा रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि उस चैट के अंदर किसी जगह के ऊपर मेरा कोई किसी को डायरेक्शन है या किसी को मैंने कोई हदायत दी है कि आप आईडी कार्ड इकट्ठे करो, आप मिलो। मैं तो इस हल्के के अंदर कैंपेन कर रहा हूं, लोगों को मोबिलाइज कर रहा हूं, वोटर को जो है वो मुतहरक कर रहा हूं, पार्टी का पैगाम जो है वो घर घर जो है वो मैंने पहुंचाया है। आप जिस शख्स का नाम ले रहे हैं उस शख्स को तो खुद इन्होंने खुद पकड़ा हुआ है। अब पकड़ के कोई तहकीकात नहीं, उसका मोबाइल फोन भी आ गया है, उस मोबाइल फोन की वीडियोस भी सामने आ जाती हैं, चैट्स भी सामने आ जाती हैं। को अच्छा मनसूबा बना लेना था, को अच्छी प्लानिंग आप लोगों ने जो है वो कर लेनी थी। और आप खुद ही बंदे पर तशद्दुद करके आईडी कार्ड बनाकर और चैट्स को साथ व्हाट्सएप के ऊपर भेज के ड्रामा कर रहे हैं। उस ड्रामे के अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। इस शख्स से जो है कैंपेन के दौरान मेरी एक बार मुलाकात हुई है, वो भी जून के आखिरी हफ्ते के अंदर। उसके बाद ना मेरी इससे कोई मुलाकात हुई है, ना ही मैंने इसको कोई डायरेक्शन दी है, ना ही मैंने इसको जो है वो कोई हदायतनामा दिया है। ये तो ऐसे ही है कि अगर आपकी किसी मौका पर किसी से दुआ सलाम हुई हो और उसकी चैट आपके साथ पड़ी हो और वो चंद दिन बाद या चंद हफ्तों बाद कोई किसी को कत्ल करके आ जाए और कत्ल की तस्वीरें आपके मोबाइल में सेंड कर दे या उससे कोई करवा दे मुबीना तौर के ऊपर जो काम आपने किया है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूं। मेरी कोई डायरेक्शन दिखा दें कि मेरा कोई वॉइस नोट दिखा दें, मेरा कोई आप वीडियो दिखा दें जिस मुलाकात में मैंने उसको कहा हो कि जनाब आप जाओ जाके वोट खरीदो, आईडी कार्ड इकट्ठे करो। बाकी हाफिज साहब का जिक्र है, हाफिज साहब भी बता देते हैं किससे साढ़े तीन साल पहले कैसे मुलाकात हुई थी उनकी। साढ़े तीन साल पहले इसी हलके में मैं जब ये जमीनी इलेक्शन हुआ था 168 का, उस वक्त कंपेन करने आया था, उस वक्त इससे मुलाकात हुई पहली दफा। पीटीआई का ये वर्कर बन गया, कंपेन हुई, इलेक्शन खत्म हो गया, हम जीत गए। उसके बाद इसका मुख्तलिफ मौकों पर राबता होता रहा, बस खत्म बात, मुबारकबाद का, ईद मुबारक का, एडवाइजर बना उसकी मुबारकबाद का, बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं। आगे आ जाए इस हल्के में, इस हल्के में नहीं पूरे पंजाब में, जब भी जिस भी किसी ने राबता मुझसे किया किसी भी हल्के के लिए किसी भी काम के लिए, तो जो वहां के कंसर्न बनते थे मैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कराता, इससे आगे कोई काम ही नहीं।